नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूपी के हरदोई जिले की रहने वाली वैशाली यादव इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल वैशाली यादव अपने गांव की प्रधान हैं और इस वक्त वो यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही हैं, जिसके बाद से सवाल उठने लगा कि प्रधान रहते हुए कोई यूक्रेन में कैसे पढ़ाई कर सकता है। पिछले दिनों यूक्रेन में फंसने के बाद वैशाली ने एक वीडियो जारी करके वहां से छात्रों को बाहर निकालने की गुहार भारत सरकार से लगाई थी। अब वैशाली यादव को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, मगर हकीकत इसकी कुछ और है। खुद वैशाली यादव ने वीडियो जारी कर बताया कि वो गिरफ्तार नहीं हुई हैं और वो यूक्रेन से निकल चुकी हैं और मौजूदा वक्त में रोमानिया में हैं और जल्द ही भारत आ जाएंगी। दरअसल यूक्रेन में पढ़ाई करने गई वैशाली यादव की गिरफ्तारी का दावा झूठा निकला। खुद हरदोई के एसपी ने इन अफवाहों पर विराम लगाया। पुलिस ने कहा कि वैशाली यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है वैशाली यादव। वैशाली यादव अरवल क्षेत्र के 13 पुरसौली गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र प्रताप सिंह यादव की बेटी और 13 पुरसौली ग्राम पंचायत की प्रधान है। उसे लेकर पिता, मां, दादा, बाबा, भाई बहन सब काफी परेशान है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र प्रताप सिंह यादव की 4 बेटियां और 1 बेटे में वैशाली सबसे बड़ी बेटी हैं। वैशाली की पढ़ाई पूरी होने में सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। वैशाली की प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में हुई है, जिसके बाद 2018 में वो पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई, जहां उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई अंतिम चरण में चल रही है। वैशाली बीते साल 2021 में पंचायत चुनाव में अपने गांव की प्रधान चुनी गई। वैशाली की दादी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। वैशाली के पिता महेंद्र ने बताया कि उसने यूक्रेन में फंसने के दौरान 24 फरवरी को एक वीडियो डालकर सरकार से छात्रों को वापस लाने की गुहार लगाई थी। उस वीडियो को लोगों ने यह कहकर बदनाम किया कि वैशाली रोमानिया में नहीं है और उसने ये वीडियो सरकार को बदनाम करने के लिए बनाया है। वैशाली यादव के पिता महेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी बेटी यूक्रेन से निकलकर रोमानिया पहुंच गई है, जहां से उसे वापस इंडिया आना है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ग्राम प्रधान है और गांव के प्रधान को कहीं जाने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। इसके अलावा प्रधान बनने पर पढ़ाई जारी रखने में कोई पाबंदी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।